मुंबई मेट्रो में आज सबसे पहले हम बात करेंगे हिजाब की। मुंबई के कॉलेज ने हिजाब पर पाबंदी लगाई थी, जिसके खिलाफ छात्राओं ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है और कॉलेज के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया है। जिस कॉलेज में छात्रों को हिजाब या दूसरे धार्मिक पोशाक के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई, उस पर रोक नहीं लगाया जाएगा। ये बात उस वक्त साफ हो गई जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने ड्रेस कोड के खिलाफ डाली गई याचिका को खारिज कर दिया। ये जो माननीय उच्च न्यायालय में जो याचिका थी वो नकाब, हिजाब और बुरके के बैन के बारे में था और उसको हमने यहाँ पे चैलेंज किया था और हमने इसको फंडामेंटल राइट्स के तहत आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, राइट टू चॉइस, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू बॉडीली इंटीग्रिटी के ग्राउंड्स पे हमने चैलेंज किया था, लेकिन आज माननीय उच्च न्यायालय ने ये पिटीशन डिसमिस किया है। दरअसल मुंबई में चेंबूर ट्रॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी के एमजी आचार्य और डीके मराठे कॉलेज ने छात्र छात्राओं के लिए ड्रेस कोड जारी किया था, जिसमें हिजाब, बुरका, नकाब या किसी भी दूसरे धार्मिक पोशाक के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई। कॉलेज के इस ड्रेस कोड के खिलाफ साइंस डिग्री की सेकंड और थर्ड ईयर की 9 छात्राओं ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। उन छात्राओं को उम्मीद थी कि अदालत कॉलेज के फैसले पर रोक लगा देगी। प्रिंसिपल से जब बात हुई थी उन्होंने तो साफ साफ मना कर दिया था इस बात पे जाने के लिए और हमने कई भी अपने कॉलेज टीचर से बात की कि मतलब वो हमें सपोर्ट करे, लेकिन वो भी क्या करे, प्रिंसिपल क्या, जब प्रिंसिपल का रूल आ गया तो वो भी मजबूर है, वो भी कुछ नहीं कर सकते, तो हमें बस कोर्ट का रास्ता नजर आया तो हम वहीं चले गए। कॉलेज का रूल है तो इतने टाइम से उन्होंने रूल ये फॉलो क्यों नहीं किया, अभी ही क्यों, जब कुछ टाइम से जब मजहब के बीच में झगड़े हो रहे हैं तो उन्होंने अभी ही क्यों किया ये सब फॉलो, ड्रेस बनाना और बच्चों को ड्रेस पहनाना, हिजाब को अलाउड नहीं करना, ऐसा क्यों, हम लोग को हिजाब क्लास में पहनना चाहिए। हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने से पहले छात्राओं ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी प्रशासन से भी बात। कॉलेज प्रशासन अपने फैसले पर अड़ा रहा। कॉलेज की दलील ये कि ड्रेस कोड सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए है। तो पूरे 365 में से समझिए कि जाके 200 दिन है वो उनको डालना है और भाई आपको बताने की जरूरत नहीं कि बच्चे 200 दिन में कभी कभी जो आते भी नहीं, तो इतने कम दिनों में वो भी ज्यादा से ज्यादा 5 घंटे एक दिन में 24 घंटों में से अगर उनको हमारा ड्रेस कोड कॉलेज के अंदर अगर वो उनको मतलब कि मानना पड़े तो उसमें हर्जी क्या है। अब हाईकोर्ट के फैसले पर सियासत तेज है। समाजवादी पार्टी के अबू आजमी कह रहे हैं कि नाइंसाफी हुई है। नहीं, मैं उस फैसले को नाइंसाफी मानता हूँ। कुरान शरीफ में 1400 साल पहले लिख दिया गया है कि जब मुस्लिम औरतें घर से बाहर निकले तो सर से पैर तक चादर ओढ़ लें, यानी पर्दा करें, और मर्द जब सड़क पर चले मुस्लिम तो अपनी नजर नीचे रख के चले। इस निर्देश को मानना मेरा कर्तव्य है क्योंकि मैं मुसलमान हूं और मुझे अपने धर्म पर चलना चाहिए, और अगर हाई कोर्ट ने आज माना कर दिया तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। दूसरी ओर बीजेपी गजवाए हिंद की बात कर रही है और ईरान में हिजाब विरोधी आंदोलन का उदाहरण दे रही है। जब देश के माहौल को सोची समझी राजनीति से भी ये किया जा रहा है तो हिजाब भी आज एक गजवाए हिंद का पॉलिटिकल टूल बन गया। गलत है, अभी ईरान में जो चुनाव हो रहा है हिजाब के खिलाफ ही चुनाव हो रहा है, 6-6 महिलाएं वहाँ चुनाव लड़ रही हैं, वो करें हिजाब नहीं होना चाहिए, जो इस्लामिक कंट्री है वो हिजाब के खिलाफ और हम लोग जो है हिजाब के पक्ष में जा रहे हैं, मुझे लगता है ये गलत है। हिजाब बड़ा सियासी मुद्दा है, ड्रेस कोड से जुड़ा विवाद भले ही छोटा हो लेकिन सियासत उसे बड़ा कर देती है। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। विद्या के साथ एजाज खान, मुंबई आज तक।